नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। जब सरकार दिल्ली और रांची के बंद और एयर कंडीशन कमरे से नहीं बल्कि गांव और पंचायत से चल रही है, जिस गांव में आने जाने का रास्ता तक नहीं है वहां अधिकारी पूरे दल बल के साथ योजनाओं की गठरी लेकर पहुंच रहे हैं। उस गठरी को खोलिए और योजनाओं को अपने घर ले जाइए। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मौका था हजारीबाग के इचाक में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का। मौके पर सीएम ने 537,06,80,000 रुपए की 334 योजनाओं की नींव रखी। वहीं 236,23,30,000 रुपए की 202 योजनाओं का उद्घाटन किया। 247,842 लाभुकों के बीच 247,81,40,098 रुपए की परिसंपत्तियां भी बांटी गई। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, मुख्य सचेतकों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं में इजाफा करने से संबंधित प्रतिवेदन पेश किया गया। इस संबंध में गठित समिति और उसके द्वारा तैयार प्रतिवेदन में वेतन भत्ते अन्य सुविधाओं की समीक्षा और वृद्धि के निमित्त सुझाव दिए गए हैं। इसके अनुसार मुख्यमंत्री के वेतन को 80,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए हर महीने करने की अनुशंसा की गई है। वहीं मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री का 65,000 के बजाय 85,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया। विधानसभा के स्पीकर के वेतन को 78,000 रुपए के बजाय 98,000 रुपए और नेता प्रतिपक्ष के वेतन को 65,000 रुपए से 85,000 रुपए प्रतिमाह करने की अनुशंसा की गई है। एनआईए और झारखंड एटीएस ने झारखंड के दो जिलों बोकारो और जमशेदपुर में आज रेड मारी। जमशेदपुर के जुगसलाई में दो ठिकानों और बोकारो में चंदन कियारी के सूत्री बेड़ा में छापेमारी की गई। जमशेदपुर से एक शख्स को धरकर बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस ले जाया गया। वहीं बोकारो से हासन असगर और अजहर कमाल नाम के दो लोगों से पूछताछ की गई। करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद उनके घर से कुछ दस्तावेज जब्त कर टीम अपने साथ ले गई। हालांकि स्थानीय पुलिस और घर वालों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। बिहार के शेखपुरा में दिन दहाड़े बैंक डकैती की सनसनीखेज वारदात हुई है। 6 की संख्या में बदमाश कस्टमर बनकर बैंक के अंदर घुसे। सबने मास्क लगाए हुए थे। हथियार के बल पर 2 करोड़ के सोने की ज्वेलरी और 2,00,000 कैश ले उड़े। उन्होंने पहले बैंक कर्मियों को बंधक बनाया, विरोध करने पर उनसे मारपीट भी की। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। वहीं बैंक स्टाफ के मुताबिक करीब 5 किलो सोने की ज्वेलरी डकैत अपने साथ ले गए। घटना आशीर्वाद गोल्ड लोन बैंक की है। सीसीटीवी में उनके चेहरे कैद हो गए हैं। बीते 12 दिसंबर से घर से रहस्यमय ढंग से लापता राजा राम की डेड बॉडी आज मिली। उसके दोनों आंखें भी निकाल ली गई थी। लगभग 45 साल का राजा राम शर्मा बोकारो के फुदनी डी गांव का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार उसका शव चास के मुफसिल थाना क्षेत्र के सहारा सिटी के पास जमीन में गड़ा मिला। सुबह सौच करने गए एक शख्स की नजर सबसे पहले उसकी लाश पर पड़ी। बॉडी का थोड़ा हिस्सा जमीन से बाहर झलक रहा था। डेड बॉडी मिलने की फैली खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग वहां जमा हो गए। सूचना पर पुलिस और घर वाले स्पॉट पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच की दिशा और दशा तय होगी। पलामू के मेदिनी नगर स्थित मुख्य डाकघर में सोमवार को सीबीआई की टीम ने रेड मारी। इस दौरान टीम ने मुख्य डाक अधीक्षक कार्यालय में पोस्टेड पोस्टल असिस्टेंट संजय गुप्ता को घूस के पैसों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। संजय गुप्ता के खिलाफ सीबीआई को रिश्वत मांगे जाने की शिकायत मिली थी। बताया गया था कि पोस्टल असिस्टेंट जीडीएस नियुक्ति के लिए बतौर रिश्वत 25,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। 15,000 में सौदा तय हुआ। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जाँच की। जाँच में संजय गुप्ता पर लगे इल्जाम को सही पाया गया। सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया और पैसे लेकर शिकायतकर्ता को पोस्टल असिस्टेंट के पास भेजा। जैसे ही शिकायतकर्ता ने उसे 15,000 रुपए थमाए, वैसे ही सीबीआई की टीम ने घूस लेते पोस्टल असिस्टेंट संजय को रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया। उससे पूछताछ जारी है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि झारखंड में मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर एवं कामकाजू बनाने पर बल दिया जा रहा है। इसके तहत रेती जमीन पर फलदार पौधों की बागवानी के लिए ग्रामीणों की मदद की जा रही है। ग्रामीण अगर अंतर कृषि प्रणाली यानी 2 फलदार पौधों के बीच जमीन पर सब्जियों की खेती करेंगे तो इससे उन्हें ज्यादा कमाई होगी। योजना से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। ग्रामीणों के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मौका था बिरसा हरित ग्राम योजना में काम कर रहे GIZ प्रोजेक्ट के प्रतिनिधियों के समीक्षा बैठक का। मौके पर मनरेगा आयुक्त ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।